हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए किस लिए लाया हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, संजय गांधी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप रायबरेली लखनऊ की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आपका जो है 1861 RECTT/2022-23 है आपका। ये जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि जो 5 जनवरी 2023 से लेकर 25 जनवरी 2023 तक की है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा। इसमें के ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी ये दे रखी है, जो हाईलाइट मैंने कर रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा ओनली, और ये ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन इसका कोई अप्लाई नहीं कर सकता। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों के कुछ हाईलाइट हैं, ये आपका कुछ प्रोसेस होगा, आपको ऑनलाइन किस किस कौन कौन से स्टेप आपको पूरे करने पड़ेंगे। सबसे पहला आपका जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको फिलअप बैलेंस डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, अपलोड आपको फोटो सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट आपको करने पड़ेंगे। जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, जो कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको पेमेंट फीस आपको भरनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट लेके रखना होगा। ये आपकी दोस्तों, इसमें जो आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी दे रखी है, वो आपकी टोटल 905 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड हो रखी है, जिसमें आपकी 191 SC कैटेगरी की है, 19 सीटें SC कैटेगरी की हैं, 243 सीटें आपकी OBC कैटेगरी की हैं, 90 सीटें आपकी EWS की हैं, और 362 सीटें आपकी जनरल कैंडिडेट की। इसी तरीके से आपकी टोटल सीटें जो आपकी हैं 905 सीटें आपकी हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा ही संख्या में आपकी पोस्ट निकाली गई हैं, और कुछ जो है इसमें एक्स सर्विसमेंट वगैरह जो है इसमें आपकी छूट मिल जाएगी। ये आपका एडवर्टीजमेंट है, या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, इसमें कुछ एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपको भरनी पड़ेगी और ऑनलाइन फॉर्म भरने में, जिसमें कि आपको जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे, OBC EWS के लिए 1180 पे करने पड़ेंगे, और SC ST के लिए 708 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपका 18% GST भी इंक्लूडेड होगा। दोस्तों, ये कुछ गाइडलाइन है, आप अप्लाई करने से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आपकी आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर 40 साल तक की एज वाले लोग इसमें पढ़ सकते हैं। ये कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी है, ये एडवर्टीजमेंट जो है आपको बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, बाकी जो है आप इसमें पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके लिए इसमें BSc ऑनर नर्सिंग मांगी गई है, या फिर BSc नर्सिंग होनी चाहिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। देन उसके बाद आपका जो इसका नर्सिंग ऑफिसर का जो आपका डिप्लोमा या डिग्री होगा, वो आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी स्टेट से या इंडिया नर्सिंग काउंसिल से। और इसके अलावा आपको डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का, ये भी किसी गवर्नमेंट काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ है डिप्लोमा के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, जो भी आपका एप्लीकेशन भरा जाएगा, उसका स्टेटस आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपका कंप्यूटर रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका ऑनलाइन ही पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले इशू कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, इसमें आपके एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपके इसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपके 100 मार्क्स होंगे, और इसमें कि आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका सिलेबस है नॉन टेक्निकल का और टेक्निकल का, 60 नंबर का आपका सब्जेक्टेड आएगा, और अदर जो 40 नंबर का आएगा आपको नॉन टेक्निकल आएगा, जिसमें आपकी इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एटसेट्रा इंक्लूड होंगी।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और वहीं से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।